यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के दृष्टांतों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों के विषय में बहुत कुछ कहा है और यीशु मसीह अक्सर दृष्टांतों के में बातें करता था। उसका दृष्टांतों में बातें करने का तात्पर्य क्या है, यह सब कुछ हमने सीखा है। आज एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा और खास तौर से वो दृष्टांत जो है उसने प्रार्थना के ऊपर बोला है और उस प्रार्थना के ऊपर जो उसने दृष्टांत कहा है वो हमारे और आपके लिए समझने की बात है कि प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए। इंसान सोचता है कि प्रार्थना सुबह भोर के समय उठ के करना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, रात में करना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना किसी भी समय कर सकते हैं, मगर प्रार्थना करने का आपका तरीका क्या है? प्रार्थना में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो कौन से शब्द होना चाहिए? प्रार्थना में आपकी सोच क्या होनी चाहिए? ये सारी प्रकट होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रार्थना के दौरान
परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में नहीं हो रही है या प्रार्थना अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी समय प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। प्रार्थना में किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। प्रार्थना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कर सकें जो परमेश्वर को अच्छे ना लगते हों। प्रार्थना कोई एक आम बात नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप किसके सामने बैठे हैं, किससे वार्तालाप कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो दुनिया का कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है जिसके सामने मैं और आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर के सामने बैठे हैं और वो परमेश्वर कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है जिसके हाथ में हम सब मनुष्य हैं और ये सारी सृष्टि का बनाने वाला है। उसके सामने बैठकर मैं और आप बातचीत कर रहे हैं। मेरी और आपकी बातचीत कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी और पवित्र। यदि मेरे प्रार्थना में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना में साफ शब्द हैं, पवित्रता है, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन। आपकी प्रार्थना में एक शब्द और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कदापि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और यही कारण है कि बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, पास्टर साहब हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु हमारी प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं मिला। क्यों सोचे क्यों नहीं मिला? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना में स्वार्थ का होना। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना के दौरान आप किसी पर उंगली उठाते हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि आपकी प्रार्थना ठीक ढंग से नहीं होती है। घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं आप। घंटों प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक प्रार्थना का तरीका नहीं आता है। यही तरीका यीशु मसीह ने आज मुझे और आपको बताने जा रहा है, मगर एक दृष्टांत के माध्यम से। जी हाँ, इस दृष्टांत के बारे में पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील 18 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 14 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत कहा। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपने पे भरोसा रखते हैं कि वो धर्मी व्यक्ति हैं और दूसरे को तुच्छ जानते हैं, और उसके बाद वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं। सबसे पहली चीज कि जब आप अपने को धर्मी समझते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं तो आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल सकता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती है, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना के दौरान अपने आप को नम्र और दीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नम्र और दीनों की प्रार्थना को सुनता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप धर्मी कि दूसरा व्यक्ति जो है वो तुच्छ है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। इस दृष्टांत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है 10वें पद से, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का दसवां अंश भी देता हूं। जी हाँ, फरीसी। अब प्रार्थना करने का तरीका देखिए, सब कुछ, हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं इसके समान अन्यायी नहीं हूं, मैं इसके समान पापी नहीं हूं, मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं, मैं अपना दसवां अंश भी देता हूं। सब कुछ अच्छा बता रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसकी तरह पापी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है कि आप कैसे हैं। परमेश्वर को आपके बारे में मालूम है। परमेश्वर आपकी हर एक्टिविटीज पे नज़र रखे हुए है। परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं कह सकते कि आप कैसे हैं। परमेश्वर इस बात को अच्छे से जानता है कि आप कैसे हैं। अब ये व्यक्ति है, फरीसी है, परमेश्वर के समक्ष पहुंचा है, वो ये नहीं जान रहा है कि किससे बातें कर रहा है,
वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो किससे बातें कर रहा है। वो उससे बातें कर रहा है जो सब कुछ जानता है, जो हृदय की हर एक बात को जानता है, जो आपके मन की हर एक बात को जानता है। उससे कह रहा है मेरा हृदय कैसा है, उससे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख मैं अन्याय नहीं हूं, प्रभु देख मैं इसकी तरह नहीं हूं, प्रभु देख मैं इसकी तरह ये नहीं करता। वो अपने आप को धर्मी बता रहा, उपवास करता है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू उपवास रखे तो किसी से कहना भी मत, अपने आगे तुर्री मत बजाना। कह रहा है, वो कहता है मैं दशवां दे रहा हूं। वो कहता है जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, जब तू दाहिने हाथ से दान करे तो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए। वो बता रहा है कि मैं दशवांश भी देता हूं। वेरी गुड, परमेश्वर के आगे आप अपना लेखा दे रहे हैं। परमेश्वर को लेखा देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर आपके लेखे के बारे में सब कुछ जानता है और उसे सब कुछ पता है। मगर ये चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना करता है, किस तरीके से प्रार्थना करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, 13वें पद से पढ़ रहा हूं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये चुंगी लेने वाला, उसने स्वर्ग की तरफ, वो मतलब स्वर्ग की तरफ निगाह भी नहीं करनी चाहे, क्योंकि वो समझता है कि स्वर्ग बहुत पवित्र जगह है, जहां पर वो पवित्र परमेश्वर रहता है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उस पवित्र परमेश्वर की ओर निगाह भी उठा सकूं। वो अपने आप को पापी बताता है। सच में जब हम अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन कर देते हैं, जब हम अपने आप को पापी महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को बताते हैं कि हे मेरे परमेश्वर मैं बहुत पापी हूं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तू मुझ पर रहम कर, दया कर, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। यहां पर लिखा है 14वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। किसकी प्रार्थना सुनी गई? एक पापी इंसान की, जिसने स्वर्ग की तरफ निगाह भी नहीं उठाने चाहिए, जो अपने आप को पापी बता रहा है, जो दूसरे पे दोष नहीं निकाल रहा बल्कि अपने दोष को परमेश्वर के आगे गिना रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने दोष को परमेश्वर के आगे गिनाते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बनते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई, उस फरीसी की नहीं सुनी गई। आज सबसे बड़ा कारण प्रार्थना न सुनने का यही है। जब हम परमेश्वर के समक्ष होते हैं तो हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, मगर उनकी प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस की इंजील और उसका 11वां अध्याय उसका 24 से 26 पद तक, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है प्रार्थना को ना सुनने का, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक आपके हृदय में क्षमा याचना नहीं है, आप अपने शत्रु को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मत्ती की इंजील में ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू वेदी पर कुछ चढ़ाने के लिए आए तो अपनी भेंट वेदी पर ही छोड़ दे और जा सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तेरी भेंट ग्रहण होगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के सामने तो पहुंच जाते हैं, और वो परमेश्वर जब हम पापी होकर, हम बुरे होकर और परमेश्वर के विरोध में सारी बातें करते हैं, दिन भर परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहते हैं, इसके बावजूद भी हमारा वो परमेश्वर जो इतना दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर है, करुणामय है, वो जब हमें क्षमा प्रदान करता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें भी दूसरों को क्षमा प्रदान करना चाहिए। जिसने भी हमारे विरोध में कुछ भी बोला है, झूठ बोला है, गाली दी है, पाप किया है, हमें उनको भी क्षमा करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। दूसरा जो मरकुस में हमने पढ़ा, लिखा है कि तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए हो गया। ये विश्वास होना चाहिए
हाँ, और आमीन के साथ जब आप आंखें खोलते हैं तो आमीन के साथ जब आंखें खोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपने वो पा लिया है। मगर अक्सर क्या होता है कि इंसान जो होता है प्रार्थना तो करता है, बड़े विश्वास के साथ करता है, रो कर गिड़गिड़ा कर करता है, मगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आमीन होती है, जब उसकी आँख खुलती है, तो उसको फिर वही चिंता, वही एहसास होता है कि मेरे अंदर अभी कुछ कमी है और मैंने जो प्रार्थना में करा वो मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमेश्वर देगा या नहीं देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर को अच्छे से जानते होते तो आप ये मानते कि आप जिससे जो कुछ मांग रहे हैं वो आपको मिल गया। यही तो हम मनुष्यों की कमजोरी है। मैंने देखा है बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए आपका कोई बीमार है, बहुत समय हो गया बीमारी में पड़े हुए और वो चंगाई नहीं हो रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके जब आपने आमीन किया, उसके बाद आपके लोग जो आसपास बैठे हैं या कोई पास्टर बैठा है उसने आपके मरीज के लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद उसके बाद फिर आप वही बात करते हैं, साहब बहुत समय हो गया है, मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत पैसा खर्च हो गया, आप कोई डॉक्टर बताइए, कोई और अच्छा डॉक्टर बताइए। अच्छे डॉक्टर से तो बातचीत हो चुकी है, आपने अच्छे डॉक्टर से तो बातचीत कर ली है, मगर आप उस अच्छे डॉक्टर से जब बातचीत कर चुके हैं, जब आप अपने मरीज को उस अच्छे डॉक्टर को सौंप चुके हैं, तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और यही कारण होता है कि आपकी प्रार्थना महीनों हो जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सी कमियां होती हैं। आप चाहे सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हो, चाहे आप दोपहर में कर रहे हो, चाहे आप शाम को कर रहे हो, डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था, मगर उसकी प्रार्थना में सच्चाई होती थी, उसकी प्रार्थना में किसी को दोष लगाने की बात नहीं होती थी, उसकी प्रार्थना का मतलब था कि परमेश्वर उसके समक्ष बैठा है और जो शख्स उसके समक्ष बैठा है वो उससे बातचीत कर रहा है और वो बातचीत का कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलता है। जी हाँ, जब हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उसका रिजल्ट जरूर निकलता है, उसका परिणाम जरूर निकलता है। ऐसी जब हम परमेश्वर के समक्ष बातचीत करते हैं तो उसका परिणाम जरूर होगा। मगर यदि हमारे बातचीत में, परमेश्वर से बातचीत करते समय, प्रार्थना करते समय, उससे निवेदन करते समय कोई प्रमाणित नहीं हो रहा है या कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारी प्रार्थना में या हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हम उस कमी को दूर करें, हम उस कमी को जब दूर करते हैं तब पाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनता है। एक कारण और बताना चाहूँगा मैं, मत्ती की इंजील और उसका 5-6 अध्याय और उसके 5-8 पद में यहाँ लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो दूसरी बात कही गई है कि प्रार्थना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। बहुत से लोग उनके घर में मेहमान आए, वो एक कमरे में चले जाते हैं, बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मेहमानों को कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। जी हाँ, आप दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं होती। यदि आप दिखावे के लिए परमेश्वर के समक्ष बैठे हैं तो यकीन जानिए परमेश्वर आपके समक्ष नहीं बैठा है। जिससे आप बातचीत करने के लिए बैठे हैं वो आप अकेले बातचीत कर रहे हैं, और जो अकेले में बड़बड़ाता बुड़बुड़ाता है, बातचीत करता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको सही माने में, सही अर्थों में देखा जाए तो उसको पागल ही कहा जाएगा। परंतु यदि किसी शख्स के सामने बैठकर आप बातचीत कर रहे हैं तो लोग जो देख रहे हैं उन्हें लगता है कि हाँ, दो लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यदि परमेश्वर हमारे समक्ष बैठा है और हम परमेश्वर के समक्ष बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना का असर होगा और लोग कहेंगे हाँ, सच में इसके साथ कोई बैठा हुआ है जो बातचीत कर रहा है। परंतु यदि परमेश्वर मेरे और आपके समक्ष नहीं बैठा है, क्योंकि वो ऐसी बकवास की प्रार्थना में और दोष लगाने और स्वार्थ भरी प्रार्थना के बीच में नहीं बैठता है, इसका मतलब है हम आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अकेले में बोल रहे हैं, अकेले में बुड़बुड़ा रहे हैं, और ये स्थिति एक ऐसे पागल इंसान की होती है। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि आपको ये स्पष्ट जो कुछ भी कहा गया है बुरा लग रहा होगा, परंतु जो कुछ भी है बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट कहना और सुखी रहना सबसे अच्छी बात है। आप स्पष्ट को सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर कोई आम व्यक्ति नहीं है,
परमेश्वर कोई अहरा गहरा नहीं है, परमेश्वर वो है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। अगर आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचानते, अगर आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अगर आप उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की तोहिन करते हैं, अगर आप उस करुणामय परमेश्वर को तोहिन करते हैं, तो यकीन जानिए आप कभी भी इस पृथ्वी पर क्या, इसके बावजूद भी आप चैन से नहीं रहने पाएंगे। और कोई भी आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए प्रार्थना की गई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी में कहता है, हे सौतेली जाति के लिए तू प्रार्थना मत कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। हाँ, जिनका जिद्दी स्वभाव, हठीला स्वभाव होता है, परमेश्वर नहीं सुनता उनकी प्रार्थना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, तो अपनी प्रार्थना में नम्रता और दीनता लाइए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर इमीडिएटली दे, तो आपके प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दोष लगाना नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं होना चाहिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और फिर आपके चेहरे पे खुशी होगी कि जो कुछ भी आपने परमेश्वर से मांगा वो आपको मिल गया, आपने पा लिया। ये विश्वास होगा आपका, एक दृढ़ता होगी, और उस दृढ़ता के अनुसार आप के जीवन में वह परमेश्वर का कार्य उत्पन्न होता चला जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से आप भरते चले जाएंगे, परमेश्वर का अभिषिक्त जो है वो आपके जीवन में बना रहेगा। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, छठे पद में लिखा हुआ है, नती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में जो प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ, गुप्त में चाहिए, चीख चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, दरवाजा बंद कीजिए और उस पिता से प्रार्थना कीजिए जो गुप्त में है, आपको गुप्त में देख रहा है, आपको कोई और नहीं देख रहा है, आपको सिवाय परमेश्वर देख रहा है, और फिर उस प्रार्थना का प्रतिफल आपको देगा। मगर याद रखिए, यदि आप अकेले में भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई दोष वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके समक्ष से उठकर चला जाए और आपकी प्रार्थना व्यर्थ ठहरे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी कर दे, आपकी प्रार्थना का कोई प्रतिफल आपको ना मिलने पाए। अगर नहीं मिलेगा तो गुप्त में की गई भी प्रार्थना बेकार जाएगी, इसलिए प्रार्थना बेकार नहीं जानी चाहिए। मगर याद रखें कि आप किस शख्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसके सामने आप बैठे हैं वो कोई आम नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है, और उसके समक्ष शब्द नपे तुले बड़ी शलीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसे ही है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, 7वां और 8वां पद, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बोलने से बहुत उनकी सुनी जाएगी। इसलिए जब तुम उनके समान ना बनोगे, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू इस मेरे जीवन को देख, हे परमेश्वर तू जो चाहता मैं वो करता हूँ, हे परमेश्वर ये, हे परमेश्वर वो, हे परमेश्वर ऐसा, हे परमेश्वर वैसा, बहुत सी बातों को लेकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि उनकी लंबी प्रार्थना करने से बहुत सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी आपकी जितनी बात आपको ज़रूरत है आप उतनी बात कीजिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अधिकारी आ जाए, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, आप उससे कितनी बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे? आप उससे बड़ी नम्रता के साथ बात करेंगे, बड़ी दीनता के साथ बात करेंगे, आप शब्दों को सही इस्तेमाल करेंगे, आप उतनी ही बात करेंगे जितनी बात की आवश्यकता होगी। ऐसे ही उस परमेश्वर के सामने भी उतनी ही बात रखें जितनी आवश्यकता है, फालतू बातों को ना करें, फालतू बातें बिल्कुल बंद कर दें। आप थोड़ी सी बात करें मगर अच्छी करें, उस बात में सुंदरता होनी चाहिए, उस बात में पवित्रता होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है, और परमेश्वर क्या करता है, उस प्रार्थना को सुनता है। आप जानते हैं प्रार्थना करते समय कई विषय होने चाहिए। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि तुम ऐसे ही प्रार्थना किया करो,
ऐसे ही प्रार्थना क्या करो, उसने जो हम जिसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही प्रार्थना क्या करो कि आप हे हमारे पिता की दुआ रोज करते रहें, जी नहीं, उसका भी एक अर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 का जब आप 9 से पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस रीति से प्रार्थना करने का मतलब, यानी सबसे पहले आप उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसके बाद आप उससे प्रार्थना करें, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसकी महिमा करें, और दूसरी बात वो कहता है कि उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी करने का वायदा करें, परमेश्वर का वचन कहता है। और लिखा है तीसरी बात है दिन भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की मतलब आज की रोटी, कल की बात नहीं, कल की बात नहीं करना, आज की बात करना है। और चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, अपने अपराधियों को के लिए प्रार्थना करना, उन्हें क्षमा करना है और अपने अपराधों के लिए भी क्षमा मांगना है और परमेश्वर के राज को स्थापित करना है, परमेश्वर के पराक्रम और उसका राज जो है हमारे जीवन में हमारे परिवार में स्थापित होना चाहिए। और परमेश्वर से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किसी भी बुराई में ना पड़ें और किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ें, क्योंकि यदि हम बुराई और परीक्षा में पड़ जाएंगे इसके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहिए। कौन सी बुराई है आप जानते हैं आपके जीवन में, उस बुराई के लिए प्रार्थना करें, कौन सी परीक्षा है उस परीक्षा के लिए प्रार्थना करें, और जब आमीन करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसी तरीके से प्रार्थना करें, ये दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिया है इसको ध्यान रखें, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना के विषय में हमें बताया, और चाहते जब हम आपसे बातचीत करने आते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार और आत्मिकता से भरी हुई बातें कर सके। प्यारे प्रभु जी हमारे भाई बहनों को आपने प्रार्थना करना सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है और इसके बारे में अधिक और जानकारी चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप उसको नोट कर लें और जो एड्रेस है उसको नोट कर लें और हमें लिख भेजें, हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।